सो हे गाइस, जैसा कि दिख रहा होगा मैं जा रहा हूँ ट्रेन में, और ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ अपने सपनों की नगरी में जो कि है मुंबई। और मुंबई जा कर के मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाला हूँ। वहाँ जा कर के हमें एक लोकेशन पे जाना है, और हो सके तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक से एक चीज़ें इंटरेस्टिंग पार्ट मुंबई का कैप्चर करेंगे। तो बने रहे हमारे प्यारे से ब्लॉग पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक स्टेशन पे हूँ, तो आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा ना कंफ्यूज करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सपनों की नगरी महाराष्ट्र, जो कि इजिली बोल सकते हैं मुंबई। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई एम जस्ट ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू द न्यू स्टेट, एंड इट इज रियली न्यू फॉर मी महाराष्ट्र। पर मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा आदत नहीं था ट्रैवल करने का, और सीरियसली मन भी नहीं था ट्रैवल करने को। बहुत सारे ऑप्शंस आए, अपॉर्चुनिटीज आए, बट मैंने खो दिया खुद के कारण से। तो कहने गई अब ये जो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट होने वाला, फर्स्ट टाइम का ट्रैवलिंग ब्लॉग है मेरा, सीधा महाराष्ट्र मुंबई में उतरेंगे। अभी आसनसोल स्टेशन पर देख सकते हैं, तो आसनसोल स्टेशन आपको दिख रहा होगा। चले चलते हैं और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी है ये 32 घंटा का है, और 32 आवर्स देखते हैं हम क्या क्या मजा करते हैं, मस्ती करते हैं स्विच ट्रेन में। और सारा आपको पब्लिक के बीच में जो रेलवे स्टेशन में होता है, इंडियन रेलवे सिस्टम में जो दिखता है, वो जो हम ब्लॉग के थ्रू दिखाना चाहेंगे। तो बने हमारे ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्त। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले हवा। अब दूर दूर लोग बाग मिला दूर ये वादियाँ, धुआ धुआ तन हर बदली चली आती है छूने। यहाँ पे पहुंच गए अपने लोकेशन पर। लोकेशन क्या है देख सकते हैं सामने, यहाँ पे अग्रवाल एक्जोटिका में हम लोग मतलब स्टे किए हुए हैं। यहीं पे चाह चुका घर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं चलते और दिखाते हैं आपको लोकेशन। लोकेशन देखने के बाद कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत सारा कंटेंट आने वाला, तो बन रहा है। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक लव यू, टिल देन टेक केयर। लेकिन ये फैमिली वाला है तो इम्पॉसिबल है नहीं, पब्लिक रहता तो जरूर बना सकते। अभी जाके नहाएंगे और निकलेंगे यहाँ से, है नहीं। नागा दिन करते हैं, बहुत सारा काम भी है। लिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब लिफ्ट खुलता है सामने को खड़ा रहता है तो अचानक सारा चीज सब ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है वो टकरा है। सो दिस इज मी सुवन सिंह, एंड फाइनली ये ब्लॉग को एंड करने वाले। और बता सकते हैं कि पूरा बाल तो मेस हो चुका है, और कहीं ना कहीं नहा के बहुत ज़्यादा फ्रेश कर रहे हैं। दो दिन से नहाए नहीं, ब्रश नहीं किए थे, एंड माय माउथ इज जस्ट स्मेलिंग। और आपको बता दें यहाँ करके मतलब ये थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ कि फाइनली थोड़ा सा लेट हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फोन। कहीं ना कहीं नेटवर्क ज़्यादा काम कर रहा था, तो वेयर इज माय ट्रेन अच्छा काम किया, तो हम तो जल्दी पहुँच गए। तो दैट्स व्हाई फाइनली वी रीच देयर। सो इसी के साथ हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं, एंड फाइनली बोलना चाहूँगा जस्ट विजिट एनीवेयर विद द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइज, बिकॉज बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है। सो फाइनली गाइज, वी आर गोइंग टू जस्ट एंड दिस ब्लॉग, एंड थैंक यू। जय माता दी। सफर ना